हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई केक की डिज़ाइन लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मैं चॉकलेट ट्रफल केक बना रही हूँ। ये केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने केक की लेयरिंग करके आधे घंटे पहले डीप में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। सेट हो जाने के बाद क्या होता है ना कि अच्छे से ट्रफल चिपकता है केक के ऊपर, मतलब क्रम्स लेके वो वापस नहीं आता, अच्छे से वो सेट हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे अच्छे से एकदम आपका नाइफ या स्केल जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छे से आपका आराम से स्मूथली चलेगा और अच्छी फिनिशिंग भी आएगी। तो आप भी हमेशा ऐसा ही करना, पहले ट्रफल को जमा देना मतलब लेयरिंग करने के बाद, और उसके बाद फिर फिनिशिंग देने की कोशिश करना। और यहाँ पे मैंने ऊपर से गनाश का यूज़ किया है शाइन देने के लिए। यहाँ पे अच्छी शाइन आ जाती है गनाश डालने से। गनाश और ट्रफल दोनों अलग चीज़ होता है, दोनों सेम नहीं होता, दोनों अलग अलग काम करते हैं। पहले मुझे लगता था दोनों एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बादाम ये सब मेरे पास बचा हुआ था एकदम थोड़ा सा, तो वो मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ये कोई नोज़ल है, बड़ा स्वेल नोज़ल होता है ना, उसका यूज़ मैंने किया है। यहाँ पे मेरे को नंबर नहीं पता बट ये कोई स्वेल नोज़ल था, उसका यूज़ करके मैंने यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन दिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और यहाँ पे फिर मैंने नाम लिख लिया। आपको भी अगर ऐसा नाम लिखने की प्रैक्टिस करनी हो तो बहुत बार आपको ट्राई करना पड़ेगा लिख के। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।